सेंटर्स के ये तीन कोचिंग सेंटर जो है ये मर्ज हो रहे हैं इकट्ठे, तो ओब्वियसली बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि बहुत वेल एक्सपीरियंसड है। लगता है कि अब हमें बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, मतलब जो कायमे होते थे या होप में होते थे कहीं पे, हमें लगता था कि हाँ वी वांट देम, बट अब आ रहे हैं ये तो हमें अब बेस्ट ही मिलेगा। कश्मीर क्राउन के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी, अब हर एक उस पेरेंट के लिए खुशखबरी है जो कि अपने बच्चे या अपने बेटे या अपनी बेटी को एक बड़ा अफसर बनना चाहता है। परेपोरा कोचिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें, चाहे हम कई की बात करें, होप क्लासेस की बात करें या ई मिशन की बात करें, ये तीनों कोचिंग सेंटर्स अब एक ही छत के नीचे आ रहे, यानी कि इन तीनों कोचिंग सेंटर्स के जो फैकल्टी है वो हमें एक ही कोचिंग सेंटर में देखने को मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ई मर्ज की, एक ऐसा कोचिंग सेंटर जिसमें अब आपको बेस्ट क्वालिटी की फैकल्टी देखने को मिलेगी। क्या ऐसी वजह रही जो इन तीन कोचिंग सेंटर्स एक ही छत के नीचे आ रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बड़ी हस्ती है लतीफ़ सर। लतीफ़ सर, खैर मुकदमा जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। तीनों कोचिंग सेंटर्स का एक ही छत के नीचे आना, मकसद क्या है इसका? पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये तीन ही नहीं है, ये तीन बड़े हैं। जितने भी आपको परेपुरा में कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे लोकल लेवल पे, वो सारे इंशाल्लाह आपके इस अलायंस में जुड़ रहे हैं। तो इसका मकसद एक ही है कि जो हमारे बच्चों को एक ये चीज़ परेशानी हुआ करती थी कि हमारे भाई एक इंस्टीट्यूट में किसी एक किस्म की फैकल्टी की कमी है या किसी दूसरी फैकल्टी की कमी है, या हमारा जो पढ़ाने का तरीक़ेकार था वो ये कि हम किसी टॉप रैंक फैकल्टी और उसके बाद जो है नए जूनियर्स को एसोसिएट करते थे, वो हम इंशाल्लाह अब आज के बाद हमारे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी जो है आपके पास टॉप लेजेंडरी जो है आज तक के 7-8 फिज़िक्स के नामावर जो है या केमिस्ट्री के 10-11-12 जो भी नामावर फैकल्टी है जिनका एक्सपर्टाइज है या जूलॉजी बॉटनी में, उन सबको जो है एक साथ एक छत के नीचे हमने लाया है इस मिशन के साथ कि हम इंशाल्लाह 2024-25 या 26 इन तीन सालों के अंदर अपना एक J&K लेवल का बच्चा एट ए नेशनल लेवल टॉपर बने। ये हमारा सपना, ये हमारा ख्वाब होगा पहला। दूसरा कि हमारा जो बच्चा है जिसकी ये तमन्ना उम्मीद है कि मैं किसी बड़े इदारे में पढ़ूं, मैंने ये मुमकिन नहीं था कि मैं उसको सिफारिश करके किसी बड़े इदारे में डाल सकूं या वहाँ पे फी कंसेशन दिला सकूं, लेकिन इतना तो है कि क्या हम ही अपने इदारों को मर्ज होकर एक बड़ा इदारा बने ताकि गरीब से गरीब जो दिल की आवाज़ है, गरीब से गरीब बच्चे की दिल की ये आवाज़ कि मैं बड़े सेंटर में पढ़ूँ, इस इकोनॉमी के साथ जो वो अफोर्ड कर सकता है, वो ख्वाब मैंने बच्चों का पूरा कर दिया है। मेड इट पॉसिबल कि दे कैन रीड नाउ इन द टॉप रैंक इंस्टीट्यूट ऑफ J&K, जहाँ पे आप ये देखोगे कि वो पेमेंट जो होगी वो नॉमिनल होगी, वही होगी जो हम लोकल सेंटर्स में करते थे। सर, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटी रहेगी जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्लियरली मैं बोलूँगा कि ये तो हम करते ही आए हैं, आपका ई मिशन होगा, होप होगा, या एस्पायर के हवाले से बात करूँगा या काई के हवाले से बात करूँगा, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। जो आप पता कर सकते हो मेडिकल कॉलेज में या NIT कॉलेज में या IIT में जितने भी बच्चे हमने क्वालिफाई कराए या उनके बगैर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको हमने पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशन के हवाले से, लेकिन आज के बाद मैं आपको ये लाइन में जो मैंने इसके लिए बना दी, दैट्स फॉर श्योर कि कोई भी बच्चा पैसों के हवाले से यहाँ से वापस नहीं जाएगा जिसकी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हर इदारे की जो है एक इकोनॉमी पे मुनहसर होता है, तो उसको बचाने के लिए हमें जो है वेरिफिकेशन होगी उस बच्चे को, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा, वो भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ेगा जो बच्चा पैसा देने वाला बच्चा होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। सर, लास्ट में पेरेंट्स के लिए स्पेशली क्या कुछ मैसेज छोड़ना चाहेंगे इस कोचिंग सेंटर के? पेरेंट्स का ही एक्चुअली ये काम है, अगर ये एक आप मान के चलो कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड वी ऑल द इंस्टीट्यूट्स जो अब एक मर्ज बन गए, इमर्ज बन गए, तो इसमें पेरेंट्स का एक कलीदी रोल रह गया बनेगा। किस हवाले से? यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस, परेपुरा राजबाग में बहुत सारे चैलेंजेस है, यानी जो उनको पता है कि सोशल जो है सोशल प्रॉब्लम्स एंड ऑल द, मैं पेरेंट्स से यही मैसेज करूँगा कि आप इन टच रहे। हमने जो एक ग्रीवियन सेल बनाई है जिसमें हमारा बच्चों के साथ ताल्लुक नहीं रहेगा, उस पर डायरेक्ट पेरेंट्स के साथ रहेगा, और हमारा एक सेल दूसरी ये बनाई है कि हर कोई पेरेंट को वीकली बेसिस पे हर एग्ज़ाम या 15 दिन के बाद कॉल हुआ हो जाएगा, जिसमें हम उनके इनपुट्स लेंगे और जहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जेन्युइन ज़रूरत लगेगी, और डेफिनेटली वी विल डू दैट। सर, टाइम देने के लिए शुक्रिया, और आने वाले समय में उम्मीद करेंगे ये कोचिंग सेंटर J&K का एक बड़ा नाम होगा। थैंक यू सो मच, वी आर प्राउड ऑफ यू। हमारे साथ लतीफ़ साहब, आप यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर, वरदा रियाज, आई एम फ्रॉम कुलगाम। सो जो ये तीन कोचिंग सेंटर्स हैं आप एक ही छत के नीचे आ रहा है, एब्सोल्युटली
सर। आपका क्या कुछ कहना है इस हवाले से और स्टूडेंट्स को किस तरह का फायदा मिलेगा? सर द पॉइंट इज कि ये तीन कोचिंग सेंटर जो है ये मर्ज हो रहे हैं इकट्ठे, तो ओबियसली बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि बहुत वेल एक्सपीरियंसड है, लाइक वसीम सर है, खुर्शी सर है, एंड दे आर गॉड फादर्स आई विल से, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड डेफिनेटली अगर ये मर्ज होंगे आपस में तो स्टूडेंट्स को ओबियसली हर किसी से कोई फ़ायदा मिलेगा ही, एज होप क्लासेस हो रहे हैं, काइट ओवर हो रहा है, एंड मिशन ही मर्ज हो रहा है, तो उन मतलब वो सारे टीचर जो है वो वेल एक्सपीरियंसड है। और मतलब मैं बोलूँगी एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं 2 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट हूँ काइट ओवर की, एंड जहाँ तक मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड और बहुत ज़्यादा काबिल है, एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लग रहा है आपको आप उस पेरेंट के लिए खुशखबरी है जो कि अपने बेटे को या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है, अब उनको कोचिंग सेंटर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब जो ये तीन कोचिंग सेंटर्स हैं एक ही छत के नीचे आ रहे हैं और इन तीन कोचिंग सेंटर्स में अब हमें बेस्ट देखने को मिलेगा। यस इट्स सर अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक्सपीरियंस है टीचर से और बेनिफिट भी मिलेगा बहुत ज़्यादा, तो उन पेरेंट्स के लिए वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लकी है, एंड मैं बोलूँगी वो स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा लकी है जो इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको हासिल होगा, बहुत ज़्यादा टैलेंट मिलेगा, एंड ओबियसली आई कैन से कि उनकी नीट की सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगी, जे डबल की सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगी, बिकॉज दिस कोचिंग सेंटर्स आर द बेस्ट। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कोचिंग सेंटर क्या कुछ मैसेज छोड़ना चाहिए? सर आई विल इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम कि जहाँ तक मुझे लगा कि मतलब आप ही कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, एंड डेफिनेटली ये मतलब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। स्टूडेंट हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हादिया, आई एम फ्रॉम मिशनी। हादिया क्या कुछ कहना है आपका? तीनों कोचिंग सेंटर्स अब एक ही छत के नीचे आ रहे हैं। जी मुझे लगता है कि अब हमें बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, मतलब जो कायम में होते थे या होप में होते थे कहीं पर हमें लगता था कि हाँ वी वॉन्ट देम, बट अब आ रहे ये तो हमें अब बेस्ट ही मिलेगा, सो इट्स गुड फॉर आवर फ्यूचर, सो लेट्स होप अच्छा ही हो। स्टूडेंट्स को किस तरह का फायदा मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा, आई मीन बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, सारे टीचर्स ही अच्छे होंगे, तो अच्छा ही है। नाउ दे शुड जॉइन इमर्ज बिकॉज दे विल गेट द बेस्ट फैकल्टी, सो यस दे शुड जॉइन दिस। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत, हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।